आप देख रहे हैं दखल न्यूज। महाराष्ट्र के लिए शरद पवार की सलाह, राष्ट्रपति शासन से बचना है तो बीजेपी शिवसेना सरकार बनाए। नहीं थमा वकील और पुलिस के बीच का विवाद, वकीलों पर एफआईआर दर्ज करने की अर्जी दिल्ली हाईकोर्ट से खारिज। स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट के लोगों ने उड़ाई इंदौर में मुख्यमंत्री कमलनाथ के आदेश की धज्जियां। छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री लखमा ने कहा केंद्र सरकार शराब के मामले में कर रही है बदनाम। और मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर के नाले में उतरने का बना मजार, कमिश्नर मीटिंग छोड़कर चले गए। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर जारी सियासी दाव पेचों के बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने अपना रुख साफ कर दिया है। एनसीपी नेता शरद पवार ने कहा कि वह सरकार नहीं बनाएगी बल्कि एनसीपी विपक्ष में ही बैठेगी। पवार ने कहा कि भाजपा और शिवसेना पिछले 25 सालों से एक साथ है, आज या कल दोनों ही पार्टियां एक बार फिर साथ आ जाएंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने भाजपा और शिवसेना को बहुमत दिया है, इसीलिए दोनों पार्टियों को मिलकर राज्य में जल्द से जल्द सरकार बनानी चाहिए। शरद पवार ने कहा कि राज्य में सरकार बनाने को लेकर सिर्फ एक ही विकल्प है और वो है शिवसेना और भाजपा को सरकार बनाना चाहिए। प्रदेश में राष्ट्रपति शासन से बचने के लिए दूसरा और कोई विकल्प नहीं है। एनसीपी नेता शरद पवार ने आज शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत से मुलाकात की। इस मुलाकात को लेकर शरद पवार ने कहा कि राउत और मैंने आज आगामी राज्यसभा सेशन पर चर्चा की है, कुछ ऐसे मुद्दे थे जिन पर हमारा एक जैसा स्टैंड है, उन सभी पर हमारी बात हुई। पवार ने कहा कि भाजपा और शिवसेना पिछले 25 सालों से एक साथ हैं, आज या कल दोनों ही पार्टियां एक बार फिर साथ आ जाएंगी। सीधी बात है कि बीजेपी और उनके साथीदार, उनके पास नंबर है, सरकार बनाने की जिम्मेदारी उनके पास है, उनके ऊपर है, हम देख रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों भूचाल आया हुआ है। पवार ने कहा सरकार बनाने को लेकर भाजपा और शिवसेना अपने अपने रुख पर अड़े हुए हैं, ऐसे में अगर दोनों दलों के बीच जल्दी समझौता नहीं होता है तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू ना हो इसका सिर्फ एक ही विकल्प बचा है कि भाजपा और शिवसेना दोनों मिलकर नई सरकार का गठन करें। 30,000 कोर्ट में भिड़ंत के बाद शुरू हुआ वकील और पुलिस के बीच का विवाद अभी थमा नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट में 30,000 विवाद पर सुनवाई हुई। दिल्ली पुलिस और वकीलों के बीच हिंसा मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि गृह मंत्रालय की स्पष्टीकरण की मांग वाली अर्जी का निपटारा कर दिया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी ही मामले की जांच जारी करेगी। वकील और पुलिस वालों की मारपीट के मामले में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, हमने अपने रविवार के आदेश में कहा था केवल 2 एफआईआर जो उस दिन तक दर्ज हुई हैं, उसको लेकर कार्रवाई नहीं होगी। उसके बाद अगर कोई एफआईआर दर्ज हुई तो उस पर दिल्ली पुलिस कार्रवाई कर सकती है। दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को कहा कि गृह मंत्रालय की स्पष्टीकरण की मांग वाली अर्जी का निपटारा कर दिया गया है, मामले की मीडिया रिपोर्टिंग पर कोई रोक नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने आदेश में किसी तरह का स्पष्टीकरण देने से इनकार कर दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि सभी कुछ हमने अपने आदेश में लिखा था। दिल्ली हाई कोर्ट ने गृह मंत्रालय की अर्जी खारिज कर दी है। गृह मंत्रालय ने 2 नवंबर को 30,000 कोर्ट में वकीलों और पुलिस के बीच हिंसा को लेकर हाई कोर्ट के आदेश पर स्पष्टीकरण मांगी थी। इसके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट ने साकेत जिला अदालत मामले में पुलिस की अर्जी को खारिज कर दिया है। पुलिस ने वकीलों पर एफआईआर दर्ज कराने की इजाजत मांगी थी। मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, आपके मंत्री तुलसी सिलावट के लोगों ने आपके आदेश की धज्जियां उड़ाई और आपके कर्मचारियों की जमकर पिटाई लगाई। आप मध्य प्रदेश में ऐसा बदलाव लाए हैं कि आपके मंत्री के लोगों ने आपके आदेश को रद्दी के टोकरे में फेंकने लायक भी नहीं समझा और जमकर मनमानी की। आपकी सरकार में अगर दम है तो ऐसे लोगों को ऐसा सबक सिखाइए कि ये भविष्य में ऐसा करने की हिमाकत ना कर सके। मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, आपका इकबाल कम हो चुका है, आपके लोग ही आपकी बातों को अनसुना कर रहे हैं और आपके आदेशों को हवा में उड़ा रहे हैं। कमलनाथ जी, अगर फुर्सत मिले तो इन दृश्यों को देख लीजिएगा। इंदौर नगर निगम के ये कर्मचारी आपकी मंशा और आपके आदेश के मुताबिक मंत्री तुलसी सिलावट के अवैध होर्डिंग और पोस्टर हटा रहे थे, तभी तुलसी सिलावट के लोगों ने इनके साथ बदतमीजियां की।
और इनकी जमकर पिटाई लगाई। मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, आप यही बदलाव चाहते थे कि आपके आदेशों की ऐसे ही धज्जियां उड़ाई जाए, तो आपको ये मुबारक। सभ्य समाज में इसे गुंडागर्दी कहा जाता है, जो आपके कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट के लोग कर रहे हैं। इंदौर में बिना पोस्टर और बैनर के नेताओं को तो जैसे राजनीति पसंद ही नहीं आ रही है। स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट के जन्मदिन के मौके पर मंत्री के रिश्तेदार और समर्थकों ने नियम विरुद्ध मंत्री के निवास को पोस्टर और बैनर से पाट कर गंद मचा दी थी। और अब जब नगर निगम का अमला पोस्टर और बैनर हटाने गया तो कर्मचारियों के साथ गाली गलौज कर मारपीट की गई। मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, अगर इसी तरह मंत्रियों के समर्थक निगम कर्मचारियों की पिटाई करेंगे तो कैसे आपके सपने का होर्डिंग मुक्त प्रदेश बन पाएगा? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, आप प्रदेश को होर्डिंग्स और बैनर मुक्त कराने के लिए लाख जतन कर ले, लेकिन आप ही के लोग आपकी सुनने के लिए तैयार नहीं है। सरेआम आपके निर्देश के बावजूद आपके मंत्रियों द्वारा आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही है। इस मामले में भी आपके स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट को खुद ऐसा करने वालों को रोकना चाहिए था, लेकिन आपके मंत्री ने भी ऐसा नहीं किया। इंदौर में तो मंत्री जी के सरकारी आवास को जन्मदिन की बधाइयों के होर्डिंग और बैनर से पाट दिया गया था। इस बात की जानकारी जैसे ही नगर निगम को लगी, वैसे ही उन्हें हटाने के लिए निगम ने कवायद शुरू कर दी। लेकिन मंत्री समर्थक निगम अधिकारियों से विवाद पर उतारू हो गए। निगम कर्मचारियों और अधिकारियों ने नियमों का हवाला देकर होर्डिंग हटाने का प्रयास किया तो इस पर मंत्री के समर्थक निगम कर्मचारियों को गाली देने लगे और उनसे मारपीट तक की। दौरान मंत्री के भतीजे और समर्थकों ने निगम उपायुक्त महेंद्र सिंह से तीखी बहस की और कवरेज कर रहे मीडिया कर्मियों को भी कवरेज करने से रोका। ऐसे में कहना लाजमी होगा कि नियम कायदों और आदेशों का पाठ पढ़ाने वाले मंत्री अपने ही मुखिया के आदेश का पालन अपने समर्थकों से करवाने में असफल साबित हो रहे हैं। पिछले दिनों अवैध होर्डिंग्स और बैनर को लेकर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यदि उनका स्वयं का पोस्टर भी हो तो हटा दिया जाए। लेकिन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, ऐसा लग रहा है कि आपकी पकड़ आपके मंत्रियों पर ही कमजोर हो गई है। इंदौर की महापौर मालिनी गौड़ ने कहा कि इंदौर नगर निगम कर्मचारियों के साथ मारपीट करने वाले मंत्री समर्थकों के ऊपर FIR दर्ज करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि मंत्री का भतीजा हो या बेटा, कार्रवाई जरूरी होगी। महापौर ने सीएम कमलनाथ से भी अपील की और कहा कि आपने ही कैबिनेट में यह प्रस्ताव पारित किया था कि शहरों में लगने वाले अवैध होर्डिंग पर कार्रवाई होगी। अब मंत्री समर्थक और कांग्रेस नेता ही शहर को बदरंग बनाने में लगे हैं। महापौर मालिनी गौड़ ने अपील कर कहा कि मैं भाजपा और कांग्रेस दोनों के लोगों से कहना चाहती हूं कि इस शहर को हमने काफी मेहनत से स्वच्छता में नंबर वन बनाया है, हमारी मेहनत बेकार ना करें, शहर को स्वच्छ रखने में सहायता करें। स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने समर्थकों द्वारा निगम कर्मचारियों से मारपीट पर कहा कि जो होना था वो हो गया, लेकिन महापौर ने ऐसे तत्वों पर FIR करवा रही है। माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने कैबिनेट में सख्त निर्देश दिए थे कि कोई भी बैनर, पोस्टर, होर्डिंग नहीं लगाएंगे, लेकिन फिर भी कांग्रेस के कार्यकर्ता मानते नहीं और सभी लोगों ने बैनर पोस्टर लगाए थे मंत्री जी के जन्म दिवस के, तो उनको निकालने हमारे नगर निगम के कर्मचारी गए थे, उनके साथ मारपीट हुई और उसकी FIR आज करवाने जा रहे हैं, सख्त कार्रवाई होगी। इधर कमलनाथ के निर्देशों की धज्जियां उड़वाने वाले मंत्री सिलावट ने कहा कि मैंने अपने सभी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए हैं कि किसी के भी जन्मदिन पर बैनर और पोस्टर न लगाए जाएं।
बैनर पोस्टर के पैसों से गरीब बस्तियों में जाकर जन्मदिन मनाए। मंत्री सिलावट को यह ज्ञान इस घटना से पहले सामने नहीं आया। उनके रिश्तेदारों और समर्थकों ने जब मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देशों का अंतिम संस्कार कर दिया तब उनकी बात सामने आई है। खबर है कि मंत्री इस मामले में अपने रिश्तेदारों और समर्थकों पर मामला दर्ज ना हो इसकी तिकड़म में लग गए हैं। मंत्री समर्थकों द्वारा मारपीट की घटना के बाद निगम कर्मचारियों में रोष का माहौल है। वो उन सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं जिन्होंने मारपीट की। ऐसे में महापौर भी सभी कर्मचारियों के साथ खड़ी है। मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ने एससी एसटी वर्ग के लिए एडवाइजरी जारी की है, जिसके बाद पूर्व मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था बहुत खराब है। इस मामले में गृह मंत्री बाला बच्चन ने कहा जाति बूझकर कार्रवाई नहीं की जा सकती, इस संबंध में डीजीपी के साथ मीटिंग करूंगा। एससी एसटी एक्ट वर्ग के लिए पुलिस महानिदेशक की एडवाइजरी पर गृह मंत्री बाला बच्चन ने कहा कि जाति पूछकर कार्रवाई नहीं की जा सकती, इस संबंध में डीजीपी के साथ मीटिंग करूंगा। हालांकि पूरे देश में इस तरह की बात सामने आई है, एससी एसटी वर्ग के साथ इस तरह के मामले आए हैं उनको लेकर कहा गया होगा। पुलिस महानिदेशक के पत्र को हर कोई अपने नजरिए से देख रहा है। पता तो यह भी चला है कि गृह मंत्री को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। प्रोटेक्शन देने की अगर कोई बात आती है और कहीं पर अगर ऐसा होता है इन वर्ग के लोगों के साथ में, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के साथ में कहीं अगर इस तरह की बात आती है तो अगर कोई ऐसा आर्डर जो निकला है तो मैं भी अभी उनसे डीजीपी साहब से मेरी मीटिंग है ही, मैं उनसे भी जानकारी लेकर और कोई इसमें और कोई ज़्यादा आप जानकारी चाहते हैं तो मैं आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा। डीजीपी के पत्र को लेकर बीजेपी विधायक विश्वास सारंग ने कहा कि ये अपने आप में साबित कर रहा है कि मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था बहुत खराब है। सरेरा लोगों को मारा जा रहा है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, फरियादी अगर थाने में जाता है तो उसके साथ भी दुर्व्यवहार हो रहा है। अगर डीजीपी ने ऐसा पत्र लिखा है तो कुछ ना कुछ ऐसा है जो गलत है, मुख्यमंत्री को सामने आकर इसका जवाब देना चाहिए। मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था बद से बदतर हो गई है, सरेरा लोगों को मारा जाता है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप होता है, अनुसूचित जाति जनजाति के साथ दुर्व्यवहार होता है और उससे ऊपर यदि कोई फरियादी थाने जाता है तो पुलिस कर्मियों द्वारा भी उसके साथ अनर्गल व्यवहार किया जाता है और इसी कारण डीजीपी को इस तरह का पत्र लिखना पड़ा, बहुत शर्मनाक है। इधर आदिम जाति कल्याण मंत्री ओमकार सिंह मरकाम ने डीजीपी की एडवाइजरी को सही और सटीक बताया। मंत्री ने कहा आरक्षण की मांग को लागू रखने की मांग रखना क्या हमारा अधिकार नहीं है? पिछली सरकार में इन जनजातियों के गरीबों पर ऐसे प्रकरण दर्ज हुए, उसको दृष्टिगत करते हुए डीजीपी ने निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ में एक और शराबबंदी को लेकर बहस छिड़ी हुई है तो वहीं दूसरी तरफ एक ताजा रिपोर्ट में बताया गया कि देश के अन्य राज्यों के मुकाबले छत्तीसगढ़ में शराब की बिक्री सबसे ज्यादा होती है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की इस रिपोर्ट का राज्य के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने खंडन किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ को बदनाम करने के लिए भ्रामक रिपोर्ट जारी की है। पिछले दिनों सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी कर देश भर में अलग अलग राज्यों में शराब की खपत के आंकड़े पेश किए थे। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि 35.3% बिक्री के लिए साथ छत्तीसगढ़ देश भर में शराब की खपत के मामले में अव्वल है। इस रिपोर्ट के जारी होने के बाद से लगातार इसकी चर्चा हो रही है। वहीं राज्य में एक बड़ा वर्ग लंबे समय से शराबबंदी की मांग कर रहा है। पूर्व की भाजपा सरकार ने राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू करने के लिए चरणबद्ध प्रक्रिया शुरू की थी। इसके अलावा शराब दुकानों की संख्या को कम करने की प्रक्रिया भी अपनाई जा रही थी। विधानसभा चुनाव में भी शराबबंदी एक बड़ा मुद्दा था। शराबबंदी लागू करने के लिए राज्य में एक कमेटी भी गठित की गई थी, लेकिन कमेटी ने बाद में अपनी अनुशंसा में शराब दुकानों की संख्या को कम करने के बजाय बढ़ाने की बात कही थी। राज्य में चुनाव के बाद कांग्रेस सरकार सत्ता में आई और शराब विक्रय की पुरानी व्यवस्था के साथ ठेका प्रणाली को दोबारा लागू किया गया। केंद्र सरकार की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि केंद्र सरकार इस रिपोर्ट के साथ आशंका के घेरे में आ गई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने गलत आंकड़े पेश किए हैं। राज्य में कांग्रेस सरकार होने के कारण देश की भाजपा सरकार ने यह आंकड़ा दुर्भावनापूर्वक पेश किया है ताकि राज्य की बदनामी हो। मंत्री ने शराबबंदी के नाम पर केंद्र सरकार पर राजनीति करने का भी आरोप लगाया है। कलेक्ट्रेट में 25 लाख कीमत से लिफ्ट लगाने का मामला सुर्खियों में है। यह लिफ्ट सांसद साध्वी प्रज्ञा के कारण लगनी है।
जिला योजना समिति की बैठक का बहिष्कार कर साध्वी प्रज्ञा वापस चली गई थी, क्योंकि उनके अनुसार वो सीढ़ियां चढ़ने में सक्षम नहीं है, जिसके बाद बैठक नीचे रखी गई मगर वो शामिल नहीं हुई। कलेक्टर कार्यालय में साध्वी के लिए 25 लाख की कीमत से लिफ्ट लगाने का मामला अब तूल पकड़ रहा है, जिस पर प्रभारी मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, सांसद बनने से पहले उन्हें मेडिकल परीक्षण कराना था। उनकी मांग पर जिला योजना समिति की बैठक तुरंत नीचे रखे जाने पर भी वो बहिष्कार करके राजनीतिक नौटंकीबाजी करती रही। हम नहीं चाहते कि सांसद की मर्यादा के विपरीत कोई कार्य हो। हालांकि अब बैठक नीचे ही होगी, जिसके लिए मैंने कलेक्टर से अनुरोध किया है। अब जिसे आना है आए, नहीं आना हो ना आए, मैं किसी को पीले चावल देने नहीं जाऊंगा। आइए अब सुनाते हैं आपको कि क्या कहा प्रभारी मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने। हम नहीं चाहते कि सांसद की मर्यादा के विपरीत कोई कार्य हो, तो मैंने कलेक्टर से कहा है, अनुरोध किया कि बैठक अगर सांसद को बुलाती हैं तो बैठक नीचे के प्रथम धरातल पर की जाए, ताकि उन्हें परेशानी ना हो आने जाने में। अब इसके बाद भी कोई नहीं आता तो मैं उसके पीली चावल दे के बुलाने नहीं जाऊंगा। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इंदौर लोकायुक्त की टीम ने टीआई सहित 3 पुलिस वालों को रंगे हाथों रिश्वत लेते धर दबोचा। रेत से भरे ट्रक को छोड़ने के एवज में 15,000 के रिश्वत की मांग टीआई ने की थी, जिसकी शिकायत लोकायुक्त में किए जाने के बाद कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इंदौर लोकायुक्त की टीम ने सिमरोल थाना क्षेत्र में पदस्थ टीआई समेत 3 पुलिस वालों को रिश्वत लेते पकड़ा है। बताया जा रहा है कि शिकायत करने वाले युवक मनोज शर्मा का रेत से भरा ट्रक खंडवा रोड पर महुत तहसील के पास सिमरोल थाना में पकड़ा लिया गया था, जिसके बाद ट्रक छोड़ने के लिए निरीक्षक थाना प्रभारी राकेश कुमार नैन, आरक्षक विजेन धाकड़ और नगर सैनिक दीपक पटेल द्वारा युवक से 15,000 की मांग की गई और सौदा 13,000 में तय किया गया। युवक ने इसकी शिकायत लोकायुक्त में कर दी और जैसे ही युवक ने टीआई को तय की गई रकम दी, लोकायुक्त की टीम ने छापामार कार्रवाई करते हुए टीआई समेत 3 पुलिस वालों को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई के बाद थाने में हड़कंप मच गया। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के स्वच्छता अभियान पर अब भाजपा मुखर होने लगे हैं। निगम परिषद की बैठक में कुछ पार्षदों ने मंत्री को मदारी की संज्ञा दी तो किसी ने नौटंकीबाज कह दिया। पार्षद ब्रजेश गुप्ता ने कह दिया कि या तो मंत्री विधायक सफाई करने में असक्षम है या फिर मंत्री को झाड़ू लगाने और नाले साफ करने का शौक है। यदि शौक है तो वे अपने बंगले की ही झाड़ू लगा दिया करें। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के नाले में घुसकर सफाई करने के वीडियो बनवाने के बाद अब वो लोगों के निशाने पर आ गए हैं। ग्वालियर में नगर निगम परिषद की बैठक में पार्षदों ने मंत्री प्रद्युम्न सिंह को नौटंकीबाज करार दिया और कहा उनको इसका इतना चस्का है तो पहले खुद का घर ही साफ कर लिया करें। व्यवस्था होने के बावजूद मंत्री के ड्रामे पर अब सवाल उठना शुरू हो गए हैं। परिषद की बैठक में पार्षदों के कटाक्ष देख निगमायुक्त संदीप माकिन ने एक जरूरी बैठक में जाने की इजाजत मांगी तो सभापति राकेश माहौर ने पार्षदों की सहमति से आधे घंटे में ही बैठक 15 नवंबर तक के लिए ही स्थगित कर दी। पार्षद बलवीर सिंह तोमर ने कहा कि मदारी डुगडुगी लेकर आता है और तमाशा दिखाकर चला जाता है। अरे शहर में हजारों नाले हैं, उन सभी की सफाई करो।
पार्षद दिनेश दीक्षित बोले कि कांग्रेस के तथाकथित एमएलए नालियों में घुस रहे हैं। पार्षद ब्रजेश गुप्ता ने इको ग्रीन पर सवाल उठाया। आखिर निगमायुक्त को लगने लगा कि मंत्री का मुद्दा गरमाने लगा है, तो उन्होंने कहा कि पिछले 15 दिन में शहर में सफाई दिखने लगी है। किसानों पर सिर्फ राजनीति हो रही है। प्रदेश की सरकार और विपक्ष रोज बयानबाजी कर रहे हैं, मगर किसानों की असल सुध कोई नहीं ले रहा। राज्य की कमलनाथ सरकार ने किसानों की 10 दिन में कर्ज माफी की बात कही थी, मगर अब अतिवृष्टि से खराब फसलों के मुआवजे के लिए केंद्र सरकार को घेर रहे हैं। पीएचई मंत्री सुखदेव पांसे ने कहा, कलंकित एमपी को शिवराज ने कमलनाथ के हाथों सौंपा था। पीएचई मंत्री सुखदेव पांसे ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि अतिवृष्टि से किसानों की फसल खराब हो गई। प्रदेश में बीजेपी के 28 सांसद हैं और एक ने भी राहत राशि की मांग नहीं की। सांसद राशि मांगने के बजाय नौटंकी में लगे हैं। मुलताई विधानसभा का भावनात्मक मुद्दा है। कुछ असामाजिक तत्वों ने थाने में घुसकर मारपीट की। आतंक के कारण आरोपियों को भगाया गया। बेईमान लोग किस मुंह से बात करते हैं। बीजेपी वालों ने सिर्फ घोषणा की, वो आज तक पूरी नहीं हुई। कलंकित एमपी को शिवराज ने कमलनाथ के हाथों सौंपा था। सीएम कमलनाथ अच्छे काम करने के प्रयास कर रहे हैं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने इस प्रदेश को जो पूर्व मुख्यमंत्री ने कलंकित कर दिया था आत्महत्याओं के मामले में, हिंदुस्तान में पहला मध्य प्रदेश ऐसा राज्य बना दिया था कि सबसे ज्यादा कर्जे के कारण मध्य प्रदेश में 15 साल के बीजेपी के कार्यकाल में आत्महत्या किसानों ने की थी। ऐसे कलंकित मध्य प्रदेश को शिवराज सिंह जी ने कमलनाथ जी के हाथों में सौंपा और माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने कर्जा माफी की शुरुआत की, जिसके कारण किसानों की आत्महत्या रुकी। पांसे ने कहा कि एमपी में औद्योगिक नीति के तहत सीएम ने पहले उद्योगपतियों के लिए विश्वास तैयार किया। मैग्निफिसेंट एमपी उसकी वानगी थी। अब उसी के तहत वो दुबई दौरे पर हैं, उद्योगपतियों से बात करेंगे। पांसे ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करने से जनता का पेट नहीं भरता, जनता के लिए काम करना पड़ता है। झाबुआ की जनता ने बता भी दिया है कि लोगों का कमलनाथ सरकार पर विश्वास है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ सरकार को जमकर कोसा और कहा कि कमलनाथ सरकार ने बाढ़ और अतिवृष्टि से पीड़ित प्रदेश के किसानों को अभी तक अपनी तरफ से कोई राहत राशि नहीं दी है, जबकि किसान परेशान है। बीजेपी उपाध्यक्ष शिवराज सिंह ने कहा, किसान राहत राशि की मांग ना करें उनका ध्यान हट जाए, इसलिए कांग्रेस सरकार के धरना प्रदर्शन की बातें कर रही है। सरकार की कोशिश है कि किसी भी तरह किसानों को राहत राशि देने से बचा जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री कमलनाथ और मंत्रियों से कहा कि इधर उधर की बातें ना करें, पीड़ित किसानों को राहत राशि दें। सभी विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं, इतना टैक्स आता है कहाँ जाता है वह टैक्स का पैसा। उन्होंने कर्ज माफी को लेकर के कहा कि अब सरकार कह रही है कि किसान बैंकों का पैसा जमा कर दें, बाद में उनको धीरे धीरे वापस मिल जाएगा। सरकार यह ठीक नहीं कर रही। कहते खजाना खाली कर दिया, अब खजाना कोई औरंगजेब का कि लूट के ला के रख लिया और बाद में खर्च कर दिया। टैक्स आता है, टैक्स हर महीने आता है जनता का, वही टैक्स खर्चा करते हैं, कहाँ जा रहा पैसा। और जब हम मुआवजे की बात करते हैं तो खुद धरना देंगे डाइवर्ट करने के लिए। बिजली के बिल मार रहे हैं लोगों को, बिजली के बिल मुख्यमंत्री चिट्ठी लिख रहे हैं कि नियमित कर लो, बाद में फिर मैं देख लूंगा। विज्ञापन जारी किए जा रहे हैं और विज्ञापन में लिखा जा रहा पहले पैसे जमा कर दो, बाद में वो कर्ज माफी की पात्रता खत्म नहीं होगी। ये कौन सा तमाशा कर रहे हो कमलनाथ। शिवराज सिंह ने कहा कि किसानों को बैंक से नोटिस दिए जा रहे हैं, परेशान होकर किसान आत्महत्या कर रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ सरकार की नई आबकारी नीति की आलोचना करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश को मदिरा प्रदेश बनाया जा रहा है, आहातों के लाइसेंस दिए जा रहे हैं, बैठकर पीने की व्यवस्था बनाई जा रही है। चौहान ने आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार की योजनाओं का लाभ ही हितग्राहियों को देना बंद कर दिया है, विद्यार्थियों की फीस भरी नहीं जा रही है, बिजली के बिल बढ़ाकर दिए जा रहे हैं। हरदा में ग्रामीणों को योग करने के फायदे बताए जा रहे हैं। निरोगी काया अभियान के तहत ग्रामीणों को आसान आसान योगों के जरिए स्वस्थ रहने के लिए टिप दिए जा रहे हैं। निरोगी काया अभियान के तहत ग्राम मसन गांव के हाई स्कूल में योग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में डॉक्टर तरुण रमाशंकर चौधरी ने ग्रामीणों को बताया कि बिना दवाइयों के स्वस्थ कैसे रहें, साथ ही योग के महत्व के बारे में बताते हुए दर्जनों ग्रामीणों को योग, प्राणायाम व सूर्य नमस्कार कराया गया। योग शिविर के पश्चात स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जहां
63 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जिसमें एक कैंसर का संभावित रोगी तथा उच्च रक्तचाप के 22, डायबिटीज के 7 तथा स्त्री रोग से संबंधित 5 रोगियों की जांच की गई। डॉक्टर तरुण चौधरी ने बताया कि वर्तमान परिवेश में अनियमित जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों का प्रसार हो रहा है, इससे कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, जिससे बचाव के लिए जीवन शैली में बदलाव की आवश्यकता है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर मसनगांव में ये योग का कार्यक्रम लगा, जो कि निरोगी काया अभियान के अंतर्गत आता है। इसमें वृद्धजनों एवं ग्रामीणों को हमने प्राणायाम, योगा और सूर्य नमस्कार कराते हुए योग से निरोगी काया कैसे पाएं, इसके बारे में जानकारी दी गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।